वहीं बुरहानपुर के एक निजी स्कूल में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। सूचना पर इंदौर से बुरहानपुर पहुंचे छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और स्कूल प्रबंधन के द्वारा ही संचालित निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। साथ ही परिजनों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। वहीं पुलिस ने छात्रा का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एक हमारे यहाँ एक महीना पहले एक बच्ची ने 11वीं कक्षा में एडमिशन लिया था, सेंधवा की या इंदौर की रहने वाली है, और वो कल शाम को 4:30 बजे उसने वार्डन से कहा कि मेरे को दर्द हो रहा है सीने में, उल्टी हुई थी। तो इमीडिएट उसको कार में कैजुअल्टी में ले गए। वहाँ हमारे डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की, पर उनको समझ में आया 2D को ECG करने के बाद कि इसको सीवियर अटैक है। ब्लड टेस्ट वगैरह किया, सब किया, फिर पेरेंट्स से लगातार टच में थे। उनके एक फैमिली डॉक्टर को भी सब बातें बताते जा रहे थे कि इसका ऐसा ऐसा हो रहा है, और उनसे इजाज़त ली व्हाट्सएप पे रिटर्न में। उसके बाद ही हमने एंजियोग्राफी के लिए भेजा। एंजियोग्राफी में कुछ भी नहीं निकला, तो फिर उसको कैजुअल्टी में ले जा रहे थे ICU की तरफ। तो वहाँ जाते जाते उसको सीवियर अटैक आया। 10-12 जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, लगातार प्रयास किए, 4-4.5 घंटे तक जो कुछ वो कर सकते थे, पर वो बच्ची सर्वाइव नहीं कर पाई। बहुत दुखद बात है। बस कल आए थे तो उसको बीच बीच में छाती दर्द होना या धड़कन बढ़ना उसके साथ आए थे। तो वो एक दिन पहले भी आके गए थे, यहाँ पर दिखा के गए थे। बीच बीच में फीवर आता था, 2-4 दिन से फीवर था उनको। तो उसके बाद चेकअप वगैरह कल किया तो ECG में हार्ट अटैक था, जो नॉर्मली इस उम्र के बच्चों को नहीं आता है। और ECG में जबकि हार्ट अटैक था, उसके सपोर्टिंग एविडेंस अपने पास इको का था, जिसमें हार्ट की पंपिंग कम थी, 30-35% हार्ट की पंपिंग थी। और उसके बाद में जो ट्रॉपाई हमने किया था, जो कि हार्ट अटैक में स्पेसिफिक एक टेस्ट होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेस था, नॉर्मल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा रेस था, 44 करोड़ था। तो फिर हमने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के बाद उनके जो डॉक्टर हैं उनको इन्फॉर्म किया, और रिटर्न कंसेंट के बाद हमने उनको एंजियोग्राफी के लिए लिया। एंजियोग्राफी नॉर्मल थी उनकी, BP उनका कम था, BP लोअर साइड में था, धड़कन बढ़ी हुई थी उनकी। तो उसके बाद जब हमने ICU में शिफ्ट किया, ICU में शिफ्ट करने के बाद समवेयर अराउंड 8 o'clock, तो शी हैड सडन कार्डियक अरेस्ट, कन्वर्जन कार्डियक अरेस्ट हुआ, BP कम हुआ और अनकॉन्शियस हुए पेशेंट। मेरी जो बच्ची है, अभी 28 तारीख को हमने यहाँ मैक्रोविजन एकेडमी में छात्रावास हॉस्टल में छोड़ के गए थे। और कौन सी कक्षा में थी? 11वीं कक्षा में, 12वीं की तैयारी करने के लिए स्पेशल आई थी और डॉक्टर बनना था उसको, तो इसलिए तैयारी के लिए हमने छोड़ के गए थे 28 तारीख को। और जो है आज, मतलब जो 23 तारीख को, आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी तारीख को कल जो है शाम को 5 बजे बात हुई। क्या बताई थी? कि मैं अस्पताल जा रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा बुखार है, तो वार्डन के साथ जा रही थी। और उसके बाद जो है बात हुई, डॉक्टर से बात हुई कि आपकी बच्ची का BP लो है, लो हो रहा है, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। हमने कहा कि जल्दी इलाज करिए। और जो है अचानक बोले कि आपकी तो बच्चे की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, जल्दी आ जाओ। और उससे पहले हमें कभी नहीं बताया गया कि आपकी बच्ची की तबीयत ज़्यादा खराब है, कि आप आ जाओ, बच्ची को ले जाओ। हॉस्टल वार्डन ने ना बताया हमने, ना स्कूल संचालक ने हमको नहीं बताया कि आपकी बच्ची थोड़ी तबीयत नहीं है, स्कूल नहीं जा रही है, हॉस्टल में ही रह रही है। इसके कारण से आज हमारी बच्ची की जो है जान चली गई। क्या है, 15 साल की जो माइक्रोविजन में पढ़ती थी, जिसकी कल डेथ हो गई थी, तो उसका PM करवाया है मृत्यु का कारण जानने के लिए। PM हो गया, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से फिर आगे कुछ बता नहीं सकते। बता रहे थे कि बीमार थी, अब चूंकि PM रिपोर्ट नहीं मिली तो अपन कुछ नहीं बता सकते। परिजनों नहीं, परिजनों से चर्चा अभी तक तो उसमें अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं बताया।